नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। बीते रोज़ हमारे डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में एक इलेक्शन रैली को एड्रेस करते हुए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों से कहा कि आप भारत को आके ज्वाइन कर लें। ये स्टेटमेंट अगर आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और सुनेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, लेकिन साथ में एज ए स्टूडेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो करंट सिचुएशन है उसको हम समझें और हम ये भी जानने का प्रयास करें कि जो कहा गया है वो प्रैक्टिकल तौर पे कितना पॉसिबल है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इस स्टेटमेंट को जम्मू कश्मीर के पाम्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिया गया था, जहाँ पर ये अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि 18 सितंबर से जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव लगभग 10 सालों के बाद होने वाले हैं, खास करके जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन होता है 2019 में, उसके बाद से फिर काफ़ी उतार चढ़ाव वहाँ पे देखने को मिले। जहाँ तक बात किया जाए जम्मू कश्मीर के बारे में, तो एक चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए कि वैसे सभी एरियाज़ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, जिसका बॉर्डर किसी दूसरे देश के साथ लगता है। खास करके अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन है और जो हमारा पड़ोसी यानी कि पाकिस्तान, सो जम्मू कश्मीर वैसे भी काफ़ी एक वनरेबल स्टेट बना हुआ रहता है, तो कहीं पे भी अगर सिचुएशन इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ पे कॉन्टिन्यूस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए। कितनी बार ऐसा भी होता है कि जो नाराज़गी होता है वो इसलिए भी होता है क्योंकि वहाँ पे सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं किया गया, वहाँ पे सही तरीके से जो रोज़गार है उसके साधन को वहाँ पे नहीं लाए गए, तो इसलिए भी क्या होता है कि जिन देशों के संबंध आपके साथ अच्छे नहीं होते हैं वो उन सब लूप होल का या उन सब जो गुस्सा है उसका इस्तेमाल करते हैं और उसको फिर अपने हिसाब से उसको मोल्ड एंड फोल्ड करते हैं। और ये सिर्फ भारत के साथ ही नहीं है बल्कि ये दुनिया के ऑलमोस्ट सभी हिस्सों में होता है। और साथ में अगर हम बात करें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में, तो जैसा कि मैंने बताया कि कितनी बार जो लोगों की नाराज़गी होती है वो इसलिए भी होती है क्योंकि सरकार उनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो देने में असमर्थ रहते हैं और साथ में जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस होता है वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर आप अपने जेब से टैक्स पे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ये उम्मीद करेंगे अपनी सरकार से कि सरकार भी आपको जो बेयर मिनिमम फैसिलिटीज़ है वो दें। पाकिस्तान के पास चार प्रोविंस है। सबसे पहला हम बात करें बलूचिस्तान के बारे में, दूसरा है सिंध प्रोविंस, तीसरा है पंजाब प्रोविंस और चौथा है उनका खैबर पख्तूनवा प्रोविंस। और साथ में अगर हम बात करें तो इन चारों में प्रोविंस में जो सबसे बड़ा प्रोविंस है वो इनका पड़ जाता है बलूचिस्तान। और जहां तक हम बात करें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में, तो यहां पे भी जो डेवलपमेंट के नाम पे यहां पे ऐसा कोई काम नहीं किया गया है, तो कहीं पे भी अगर डेवलपमेंट नहीं होता है तो वहां के जो लोग हैं उनमें नाराज़ की बढ़ती रहती है। समय के साथ हर चीज़ में अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो वो चीज़ फिर अपने समय से काफ़ी पीछे हो जाता है और जो वहाँ के लोग हैं उनका जो सर्वाइवल होता है वो काफ़ी टफ हो जाता है। और ये चीज़ हमें खुले तौर पे देखने को मिल रहा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। इसी को लेके बीते कुछ सालों में वहाँ पे ह्यूज प्रोटेस्ट हुए हैं और वो प्रोटेस्ट भी इतना हुआ है कि पुलिस को वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए बाकायदा मल्टीपल राउंड्स ऑफ फायरिंग करने पड़े हैं, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ के जो कॉमन सिविलियंस या प्रोटेस्टर थे उनकी उसमें जान गई है। और उसके बाद अगर आप प्रोटेस्टर्स के ऊपर अगर आप फायरिंग करते हैं, और चाहे ये हिस्सा पाकिस्तान का हो या भारत का हो, तो आप ये हो सकता है कि आप प्रोटेस्ट को तो दबा दें लेकिन वहाँ का जो असल मुद्दा है अगर आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो वो जो प्रोटेस्ट है वो आने वाले दिनों में और भी मल्टीप्लाई होगा और साथ में जो वहाँ के लोगों के भीतर में जो गुस्सा है वो गुस्सा भी काफ़ी मल्टीप्लाई होगा। तो यही सब का कुछ कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और साथ में अगर बात किया जाए तो हमें ऐसा है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में अगर जंग होगा तो हम पाकिस्तान को इजीली हरा देंगे। एक चीज़ यहाँ पे जो हमें प्रैक्टिकल तौर पे समझनी है वो ये है कि अगर किसी भी तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग होता है तो वो सिर्फ भारत और पाकिस्तान जंग नहीं लड़ेगा बल्कि मल्टीपल देशों का ये एक बैटल ग्राउंड बन जाएगा। कहने का मतलब है कि दो तीन देश तो आपको बहुत ही सामने देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर कल को किसी भी तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग होगा तो वो सारे देश डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को। अगर हम टर्की का बात करें, चाइना का बात करें या और भी ऐसे कुछ देश
सामने आ जाएंगे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ से भी हमें एक चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि एज एन इंडिया, जब आपके देश का इकॉनमी ग्रूम कर रहा है, जब आपके देश के जो लोग हैं वो अलग अलग दुनिया में जा रहे हैं और दुनिया के अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हो और काफ़ी अच्छे पोजिशन पर काम कर रहे हैं, तो उस वक्त वॉर के बारे में सोचना काफ़ी एक गलत डिसीजन होता है। और साथ में अगर हम बात करें तो इसी साल के 10 तारीख को इनका नाम है जेन मैरियट और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को जाके वो विजिट करती हैं। तो कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि जब ब्रिटिश हाई कमिश्नर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाता है और वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करता है, वहाँ के लोगों से मिलता है और कुछ इस तरीके से अगर वो फोटोज़ को जब वो शेयर करता है, तो यहाँ से भी हमें एक इंडिकेशन मिल जाता है कि पाकिस्तान के सपोर्ट में आज भी यूएस खड़ा है, पाकिस्तान के सपोर्ट में आज भी यूके खड़ा है। और साथ में अगर बात किया जाए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का यहाँ पर कंट्रोल नहीं है, बल्कि यहाँ पर अब चाइना का भी कंट्रोल हो चुका है। यहाँ पे एक बहुत ही मैसिव डैम का कंस्ट्रक्शन किया गया है चाइना के द्वारा, जिस डैम का नाम है डाइमर बाशा डैम, और इस डैम से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली जाता है चाइना को। तो कहने का मतलब है कि जब चाइना की इकॉनमी इतनी बड़ी है तो उस इकॉनमी को चलाने के लिए उन्हें कॉन्टीन्यूअस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स भी चाहिए होता है। फैक्ट्री तभी चलते हैं जब उनके पास कॉन्टीन्यूअस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई रहे। तो कहने का मतलब है कि जो चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, इसके तहत ऑलरेडी पाकिस्तान आ चुका है और इसी के तहत आज का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ पर अलग अलग लोकेशन पे चाइना मैसिव अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। तो इस बात को हम ना भूलें कि अगर किसी भी तरीके से अगर हम ये सोचते हैं प्रेजेंटली कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत में हम मिला लेंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये जो चाइना है वो चुपचाप बैठा रहेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। साथ में अगर हम बात करें चाइना और पाकिस्तान के बारे में, तो ये अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग तरीके का कॉन्ट्रैक्ट को वो साइन किए हैं। उसी में से अगर हम सिर्फ एक एग्जांपल लेना चाहें तो 442 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का चाइना और पाकिस्तान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रखा है, जिसमें एक तरफ तो गवर्नमेंट ऑफ चाइना है और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान आर्मी है वो है। तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी को पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट भी कहते हैं। तो भले पाकिस्तान एज एन कंट्री इनके पास पैसा ना हो या भले पाकिस्तान के जो कॉमन सिविलियंस हैं उनके पास पैसा ना हो, लेकिन जहाँ तक बात किया जाए पाकिस्तान मिलिट्री के बारे में, तो इनके पास इतना पैसा तो है जिसके मदद से वो भारत को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो जब भी हम वॉर या जब भी हम ये सोचते हैं कि हमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत में मिलाना चाहिए, तब भी हमें इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा एक एक्शन का कितना रिएक्शन होगा और उन सब रिएक्शंस को हम किस तरीके से हैंडल करेंगे। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।